हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश मसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिली है। गैप अप हमें देखने को मिला एंड बहुत अच्छी रैली आई थी। एक शॉर्ट कवरिंग हम लोगों ने देखने को मिली है। जितने भी कॉल राइटर्स थे सारे ट्रैप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट में हम लोगों ने लास्ट आवर के अंदर एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर देखा है। अब उस सेलिंग प्रेशर में करना क्या है, दो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, दो सिनेरियो है। पहला, एक तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, और एक जो रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रेक होता है तो अपना बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि ये जो गैप अप आया था, ये जो अप मूव हमें देखने को मिली है, जो लास्ट आर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर था, वो अब दोबारा मार्केट डाउनफॉल की तरफ एक्सपेक्ट कर सकती है। सो एक बार स्टडी करते हैं कि क्या सिनेरियो है, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा एंड उसके बेसिस पे पूरी एनालिसिस करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप क्रैश वर्सेस करेक्शन की वीडियो देखना, बिकॉज वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि अब मार्केट एक टर्न अराउंड करने वाली है और आज ही के दिन वो टर्न अराउंड करी है। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखना, लास्ट पे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो एक बार चलते हैं अपने दोबारा सेटअप पे और देखते हैं किस तरीके से मार्केट का ओवरव्यू ले सकते हैं एंड कौन से स्टॉक्स पे कल ट्रेड कर सकते हैं। तो क्लियरली आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से थी। कल हम लोगों ने एक रेंज बाउंड सेशन देखा था एंड आज के दिन एक बहुत अच्छा गैप अप हमें देखने को मिला। इस गैप अप पे ये जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। आप यहां चेक कर सकते हैं, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सो मेक श्योर कि अगर यहां पर यहां से जो एक फॉल आया है, अगर इस लेवल पे दोबारा मिलता है, वी कैन बाय इट अगेन। ठीक है, सो अभी यहां पर फॉल किस लेवल पे आया, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट। सो यहां पर आप देख सकते हैं रिसेंटली पास्ट पे एक और रेंज था एंड उस रेंज पे जो बियरिश कैंडल थी जिसने एक ब्रेकडाउन दिया था, एग्जैक्टली उस ब्रेकडाउन कैंडल पे अपना रेजिस्टेंस फेस करा एंड वहां से मार्केट नीचे आए। इसके अलावा एक हार्मोनिक पैटर्न, एक गार्टले पैटर्न भी इसने फॉर्म करा है कि ये जो फॉल करा, इस फॉल पे एक्जैक्टली 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे हम लोगों ने एक फॉल देखा है। क्या ये फॉल कैरी ऑन हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। क्या उस फॉल के अंदर हमें बाय करना है? यस, हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिनेरियो की। सबसे पहला सिनेरियो बहुत ईजी है कि 15,700 का लेवल है जिस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करा था। उससे पहले जितने भी कॉल राइटर्स हैं सब एग्जिट कर चुके हैं, सब अपनी कॉल्स को अनवाइंड कर चुके हैं। सो मेक श्योर कि अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट और ऊपर जा सकती है, और जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 15,850 टू 15,870 के। अब आता है दूसरा सिनेरियो। लेट से कि मार्केट कल फॉल करना स्टार्ट करती है, तो क्या उस फॉल में पार्टिसिपेट करना है? यस, एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड ऑन अ स्टार्टिंग बेसिस हम कर सकते हैं, बट 12 बजे से पहले पहले हमें अपनी उन पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज 12 बजे के बाद जो भी मार्केट के अंदर टर्न अराउंड आता है ऑन अ हायर साइड, वहां पर हम लोग अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इसके अलावा थ्रू इलियट वेव थ्योरी, जो मैंने क्रैश वर्सेस करेक्शन के अंदर पूरा एक्सप्लेन करा है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जिस अपने लो पॉइंट से बाउंस करा जिस हाई पॉइंट तक, एग्जैक्टली अगर ये 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आता है, तो इस लेवल से अगर ये बाउंस करेगा, दैट इज 15,500 से अगर ये बाउंस करता है, तो वहां पर हम लोग एज अ बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये जो फॉल होगी ये एज अ बी वेव होगी और नेक्स्ट जो अप मूव हम लोग देखने को मिल सकती है एज अ सी वेव होगी। तो पूरी इलियट वेव थ्योरी हमारी कंप्लीट हो सकती है। सो दो सिनेरियो में सेल हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर कल फॉल आता है और ये लेवल ब्रेक होता है। लेट मी जस्ट शो यू अगेन, ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो इस लेवल के नीचे हम अपना एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, बट विद अ स्कैल्प ट्रेड। हम कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे और कुछ पॉइंट्स के बाद हम लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, बट मेक श्योर कि 12 बजे से पहले ही आप अपने सेलिंग साइड्स को एग्जिट कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा। सो ओपन इंटरेस्ट का डाटा बहुत ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। कॉल राइटर्स नेगेटिव 515 मिलियन है, तो जितने भी कॉल राइटर्स थे सब अनवाइंड कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हो कि 15,200 से 15,600 तक सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड है, और हेवी पुट राइटर्स की पोजीशन ऐड ऑन है 15,600 एंड 15,500 पे। सो आई पर्सनली थिंक ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। सो मेक श्योर कि 15,500 के आसपास अगर हमें देखने को मिले 15,530 पे, तो वी कैन बाय, और अगर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो। सो बैंक निफ्टी के सिनेरियो पे सो क्लियरली यहाँ पर भी हमें एक चीज देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा रिवर्सल आया। अगर हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो इसने एग्जैक्टली 88% का दिया। सो अगर हम इसको स्टडी करें तो इसने हार्मोनिक पैटर्न ही फॉर्म करा है, बट नॉट गार्टले पैटर्न, इसने एक बैट पैटर्न फॉर्म करा है। सो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा क्लियर बैट पैटर्न है जो कि 88.6% से एक रिवर्सल देता है। नाउ व्हाट वी हैव टू, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये एक अच्छा लेवल है। सो लेट्स यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली आई पर्सनली थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर पॉज ले सकती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कल की वीडियो पे मैंने बात करा था कि बैंक निफ्टी वीक होगा, हमें निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग अप मूव चाहिए।
सो अगर कल मार्केट अपना डाउन साइड जाना स्टार्ट करती है शुरुआत के बेसिस पर अगर हमें एक ऐसा स्कैल्पिंग ट्रेड चाहिए होगा तो बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उसके जो टारगेट्स होंगे वो एग्जैक्टली ये टारगेट्स हो सकते हैं जिस रेंज तक अपने आ सकता है जिस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में एज अ स्कैल्पिंग शॉर्ट ट्रेड है और लॉन्ग ट्रेड के लिए हम लोग निफ्टी को ही चूज करेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स से पहले एक बार चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट की तरफ बैंक निफ्टी के। सो बैंक निफ्टी में कॉल चेंज हमें देखने को मिल रहा है 1.3 मिलियन एंड पुट चेंज 9 मिलियन, ज्यादा मेजर डिफरेंस तो है बट एज कंपेयर टू निफ्टी पे 27 मिलियन पुट राइटर्स थे और यहाँ पर सिर्फ 9 मिलियन है। सो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड दिखा रहा है दैट इज कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 33,000 का लेवल है जहाँ पर हाईएस्ट 1.2 मिलियन का पुट राइटर्स एडिशन है एंड सेकेंड इस 33,200 पे जहाँ पर 880 के का हमें पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट डाटा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 33,000 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं विच इज वेरी गुड। अब चलते हैं एक बार स्टॉक्स की तरफ एंड चेक करते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज लिंडा इंडिया, ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आज आप लोगों को बताया भी था एंड इसको एज अ वॉच लिस्ट पे हम लोग लेकर चल सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये स्टॉक है एंड एक हायर हाइज हायर लोज के अंदर काम कर रहा है। इसका जो रेंज है अपने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है एंड इसी लेवल से बाउंस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और जैसे ही उसका ब्रेकआउट दिया था एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी और एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम आके उसने वहां पर रीटेस्ट कराया। सो आई पर्सनली थिंक यहाँ पर एक अच्छा हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ आई यूज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस कराया। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर ये 3000 का लेवल ब्रेक करता है 3030 का लेवल ब्रेक करता है देन 3300 रुपीज का लेवल ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत इजीली विद इन अ वीक दिखा सकता है तो इसको एज अ वॉच लिस्ट आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, तो लास्ट स्टॉक इज AIE इंजीनियरिंग। सो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। लेट मी ओपन अ 2 आवर टाइम फ्रेम फॉर यू। सो ऑन अ 2 आवर टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रेंज का कंसोलिडेशन था, इट क्रिएटेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड आफ्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। आफ्टर अ ब्रेकआउट इट क्रिएटेड अ रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर गया एंड एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं जो इस सबसे बड़ी बियरिश कैंडल थी उसका जो 61.8% है, लेट मी जस्ट शो यू, इस पूरी बियरिश मूव का जो 68.1% है एग्जैक्टली इस लेवल पे आ रहा है। वहीं पर इट क्रिएटेड अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, नीचे आया, अगेन इट क्रिएटेड अ गैप अप और वहीं से दोबारा में नीचे देखने को मिला, नाउ इट्स गोइंग अप अगेन। सो मेक श्योर कि ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है तो ये पार्टिसिपेट अच्छा कर सकता है। राइट नाउ जो इसका करंट प्राइस है 2150 है, अगर ये 2155 के ऊपर निकलता है तो हम अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट डेफिनेटली यही लेवल होगा जो कि 2185 to 90 रुपीज आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो व्हाट टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इज दिस जो कि 2270 रुपीज का हमें देखने को मिल सकता है। सो आज के वीडियो पे हम लोग दो ही स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले, इन्हीं दो पे फोकस रखना। बैंक निफ्टी पे सिर्फ एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड ऑन शॉर्ट साइड रख सकते हैं और निफ्टी पे हम लोग फोकस रख सकते हैं। सो ये है कल के मार्केट का सिनेरियो। मेक श्योर आप पूरी एनालिसिस को चेक करो, अपने जर्नल पे मेंटेन करके रखो और अपनी एनालिसिस के साथ कल मार्केट पे एंटर करो। लेट्स सी कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो कल शायद मार्केट अप डाउन खेल सकती है बट थर्सडे को एक्सपायरी हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर FII का डाटा आया है तो अगर आया है तो हम उसे पूरा थॉरली चेक कर सकते हैं। येस, FII का डाटा आ चुका है एंड 2100 करोड़ की फ्यूचर्स पे बाइंग देखने को मिल रही है, 22,000 का कॉल बाय है एंड 4,000 का पुट बाय है, तो बेसिकली ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा FIS ने कैश के अंदर अभी भी बाइंग नहीं करी, अभी भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी उन्हें कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है, थोड़ा हेजिंग के बेसिस से देखा जा रहा है। सो मेक श्योर कि जो ज्यादा मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ज्यादा आएगी नहीं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट जो टारगेट होगा दैट इज 15,800 to 16,000 रुपीज का एंड मेक श्योर आप अपनी पोजीशंस को वहां पर क्लियरली एग्जिट कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको हमारी वीडियोस कैसी पसंद आ रही है। इसके अलावा टुमारो मैं इंस्टाग्राम के अंदर लाइव जाने वाला हूँ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां पर हम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।